हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द अल्फा ईएस एकेडमी एंड वी आर एट द डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज एंड वी आर डूइंग लेक्चर 3 टुडे एंड वी शैल बी डिस्कसिंग ड्रॉट्स एंड लैंडस्लाइड्स टुडे। अब कल तक तो भैया पानी पानी था, फ्लड्स हो रखे थे, आज हम पढ़ेंगे पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है और लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो ड्रॉट क्या है? देखो, सूखा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, एक आईएमडी ने डेफिनेशन दी है और अलग अलग टाइप्स के ड्रॉट्स भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन होगी, जैसे रेन की कमी हो गई, स्नो की कमी हो गई, स्लिट की कमी होगी, जहाँ पर भी पानी की कमी हो जाएगी वहाँ ड्रॉट हो जाएगा। इनफैक्ट ड्रॉट इज कैरेक्टराइज एज लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन सच एज रेन, स्नो और स्लीट फॉर ए प्रोटेक्टेड मतलब लंबे समय तक या लंबी अवधि तक, रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज हो जाती है पानी की। अब आईएमडी बोलता है कि अगर कहीं भी रेनफॉल, जो उस एरिया की एवरेज रेनफॉल है ओवर द ईयर्स, अगर उससे किसी भी साल 10% कम, 10% ऑफ द एनुअल एवरेज रेनफॉल से कम रेनफॉल होती है या डेफिशिएंट रहती है, तो उस एरिया को या उसको ड्रॉट का नाम दे दिया जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ ड्रॉट की बात कर लेते हैं। पहले है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब जो वेदर से रिलेटेड है, कहीं भी लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, इनएडिक्वेट रेनफॉल हुई, कम हुई, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जो है बारिश ना होने की वजह से हो, ठीक है। फिर हो गया एग्रीकल्चरल ड्रॉट, सॉइल का मॉइस्चर कम रह गया जिससे प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ा, सॉइल में इतना मॉइस्चर नहीं है कि वो उत्पादन कर सके, तो दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। सॉइल है, बारिश पड़ रही, लेकिन सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, विच में रिजल्ट्स इन क्रॉप फेलियर्स, ठीक है। देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब जो पानी की कमी की वजह से होता है, जैसे जो हमारे रिवर्स हो गए, बेसिन्स हो गए, एक्वीफायर्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, लेक्स हो गए, अगर वहाँ पानी कम हो जाए या पानी की मात्रा कम हो जाए या पानी की मात्रा बहुत सीमित रह जाए और आपके पास रेनफॉल नहीं है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, तो दैट विल बी नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। देन इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हमारे फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उनमें इतना पानी नहीं है कि जो लाइफ या इकोसिस्टम, जो प्लांट्स हैं वहाँ के, जो एनिमल्स हैं वहाँ के, वो सर्वाइव कर पाए उस इकोसिस्टम में, और पानी की कमी की वजह से वो जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, दैट विल बी नोन एज इकोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। चार टाइप के ड्रॉट जल्दी से बता दो, कम याद कर लो मन में, वापिस जाएंगे स्लाइड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में सोचो। आईएमडी बोलेगा 10% से कम हो गई तो भैया ड्रॉट हो गया, ठीक है। फिर चार टाइप के, इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब ड्रॉट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब अगर मैं पहले मैप देखो, आप जो ये ग्रीन वाले एरिया हैं ये थोड़ा सेफ हैं कि ठीक है यार, चलो रेजिलिएंट हैं। येलो वाले हैं जैसे पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, फिर बीच बीच में पॉकेट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया की जो टोपोग्राफी है ना, वो अगर इंटरनली भी आप देखेंगे तो प्लेन चल रहे होंगे, एकदम पहाड़ आ जाएंगे हल्के हल्के, हिमालय जितने बड़े नहीं आएंगे लेकिन थोड़े थोड़े आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो रेड वाले हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉट होते हैं, दैट आर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, दी ईस्टर्न साइड ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है उनका, गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे जो है, अब कच्छ का तो खैर अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे तो सलाइन टाइप का वो है, लेकिन वो भी क्या है, ड्रॉट में ही काउंट होता है, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कुछ उसके पार्ट्स मिला के, जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, दे आर सीवियरली अफेक्टेड बाई दी ड्रॉट्स। इनफैक्ट इंडिया में जो है 68% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज प्रोन टू ड्रॉट इन वेरिंग डिग्रीज, कहीं पर 2%, 10%, 50%, 60%, ठीक है। नाउ 42% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया अंडर ड्रॉट, 500 मिलियन पीपल आर सीवियरली अफेक्टेड। तो 68% एग्रीकल्चर एरिया ऐसा है जहाँ पे कुछ अलग अलग वेरिंग टाइप का ड्रॉट है, 42% एरिया इंडिया का ऐसा है जो ड्रॉट के अंडर है, जो 500 मिलियन लोगों को सीवियरसली अफेक्ट करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें टर्न डाउन लाइट, ठंडा करो, उसने ये बताया कि क्रॉप यील्ड्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं जब ड्रॉट्स बढ़ते हैं, जब ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते हैं। हम आपको बोलते हुए आ रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, एक्सट्रीम इवेंट जब बढ़ेंगे इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइव्स, इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इट विल रिजल्ट इन एक्सट्रीम ड्रॉट, ठीक है।
और 2040 तक ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ने हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा। देन जो 6% लैंड एरिया है कंट्री का 2019 के अकॉर्डिंग, वो एक्सेप्शनली ड्राई कैटेगरी में था, कि एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा ड्राई कैटेगरी में। इनफैक्ट 1.6% एरिया जो था वो बड़ा है एक दो साल में, मैं आपको बताऊं। और 2018 में जो एरिया 5% हुआ करता था, कि मतलब अगर जोड़े हम एक्सट्रीमली ड्रॉट और एक्सेप्शनल ड्रॉट के अंदर, तो 2018 में 5% था, लेकिन अब वो बढ़ के 11% हो गया। तो देखिए अब दो तीन साल में ही डबल होते जा रहा है एरिया की लैंड डिग्रेडेशन। इसका एक कारण लैंड डिग्रेडेशन भी है, ठीक है। राजस्थान से होते होते हरियाणा में या पंजाब में जो था सेलनाइजेशन, मतलब वाटर इतना पम्प कर दिया गया कि सेलनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया है। सेलनाइजेशन ऑफ सॉइल जो है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई, वहाँ कुछ उग नहीं सकता है बहुत सारी जगह पे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डाटा को अच्छी तरह पढ़ें और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ तो वो आम जन तक पहुँचाएँ, और आम जन तक पहुँचाएँ तो उनको बेनिफिट होना चाहिए, ये भी हम देखें। तो जब आप पहुँचा के उसको रिव्यू भी करें, है ना, दैट्स हाउ गवर्नेंस वर्क्स, एज ये हमने एथिक्स में आपको पढ़ाया था, ठीक है। कॉजेज क्या है ड्रॉट के, सबसे इम्पॉर्टेंट देखो पानी का सोर्स क्या है इंडिया में, मानसून। जब इतना मानसून पे डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर, कि जिस दिन मानसून नहीं आता है, मतलब जिस टाइम अल नीनो हो जाता है, तो भैया दिक्कत हो जाती है हमको। तो डिले इन द ऑनसेट ऑफ मानसून, फेलियर ऑफ मानसून जो है एक रीज़न है फॉर द कॉजेज ऑफ ड्रॉट। देन वेरिएबिलिटी ऑफ मानसूनल रेनफॉल, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाएगी कभी एकदम कम होगी, तो वो टेम्पररली मतलब जगह जगह पे एंड सॉरी टाइम टू टाइम एंड स्पेटियली मतलब ज्योग्राफिकली भी वो वेरी करती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए, वेस्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, रीजन ऑफ हिमालयस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट वट अबाउट द एरियाज ऑफ राजस्थान, वट अबाउट द एरियाज ऑफ हरियाणा, जो आपका डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो हाई वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है इंडिया में ज्योग्राफिकली, और कभी कभार समय के समय, कई बार क्या होता है कि एक घंटे में इतनी बारिश हो जाएगी जितनी साल भर में नहीं होती। तो क्या है कि वो टाइम में भी डिफ्रेंशिएट है, टाइम में भी अलग अलग टाइम पे कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी बहुत कम होती है, तो ये बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। देन लॉन्ग ब्रेक्स इन, अब हम एक ब्रेक इन मानसून एक कॉन्सेप्ट होता है कि मानसून, अब वो मानसून बोला ठीक है भैया हम बहुत बरस लिए थोड़ा रेस्ट करने दो हमें, तो लॉन्ग ब्रेक पर चले जाता है, वो भी इन्जॉय करने चले जाता है, पार्टी करने चले जाता है। तो कभी कभार ब्रेक जो होता है, कभी कभार छोटे होते हैं, एकदम आ जाता है वापस, बारिश करने लग जाता है, लेकिन कभी कभार जो ब्रेक्स होते हैं मानसून के वो लंबे हो जाते हैं, ठीक है। एरियल डिफरेंस इन द परसिस्टेंस ऑफ मानसून, मतलब कहीं जगह पे मानसून बहुत ज़्यादा देर तक रहता है बहुत कम समय, और कहीं पे बहुत कम समय पे रहता है। एग्जांपल दें हम आपको, तो अगर उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक मानसून रह जाए तो इट विल अफेक्ट दी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा, उसको जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ये देखा गया है, ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, देखो कॉन्सिक्वेंस ड्रॉट के सूखा हो गया, सबसे पहले तो क्रॉप यील्ड घट जाएगी, फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, उसको बोलते हैं अकाल। देन फूडर घट जाएगा, भाई आपको दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, पनीर चाहिए, कहाँ से आएगा, आपकी जो लाइफ स्टॉक है उससे आएगा। आपको चिकन चाहिए, लाइफ स्टॉक को पालने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, फूडर चाहिए, है ना, घास लानी पड़ेगी आपको, चारा उनको खिलाना पड़ेगा, और जब चारा तो आप वो धरती पे उगाओगे, आसमान तो पे तो उगाओगे नहीं, ठीक है। तो फोडर की प्रॉब्लम आ जाती है जिसको तृणकाल बोलते हैं, ठीक है। इनएडिक्युएट रेनफॉल की वजह से क्या होता है, वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसको जलकाल बोलते हैं, और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, त्रिकाल बोलते हैं। तो ये सब आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रॉट का, एक तो वाटर स्ट्रेस सिचुएशन आ जाती है कि पानी जो है भैया कम हो गया है, ठीक है। देन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज रहती है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट बहुत ज़्यादा जाता है। जब ड्रॉट हो जाता है तो हम नीचे से पानी निकालना शुरू कर देते हैं, जब बारिश नहीं हुई तो हमने ग्राउंड वाटर पम्प किया, अब ग्राउंड वाटर पम्प किया तो एक्वीफायर्स में पानी तो अगर लेवल यहाँ था तो यहाँ पहुँच जाता है, पता चलता है ग्राउंड वाटर पीने के लिए ही नहीं बच रहा है, ठीक है। देन देर इज़ अ डैमेज टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वेरियस इको सिस्टम्स, इंक्रीज्ड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये तो था आपका इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिक पे ये माल न्यूट्रिशन प्रमोट करता है, पुअर हाइजीन प्रमोट करता है, इल हेल्थ, माइग्रेशन, इंक्रीज स्ट्रेट एंड मॉर्बिडिटी मतलब ज़्यादा आपकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, सोशल स्ट्रेट। एंड इनफैक्ट ये देखा गया है कि ड्रॉट हैज़ क्लास बायसेस, मतलब ये गरीब लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये देखा गया है कि ड्रॉट जो है गरीब लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है रादर देन अमीर लोगों को। इनफैक्ट
ये आप किसी भी डिजास्टर में लिख सकते हैं कि डिजास्टर्स हैव देयर ओन क्लास बायसेस। इस जब हम आपको फ्लड्स पढ़ा रहे थे या अर्थक्वेक पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा कि कैसे जो गरीब लोग हैं वो सेफर प्लेस में नहीं रह पाते हैं, वो नदियों के किनारे रहते हैं, या जो वनरेबल हैं जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ चले जाते हैं। तो ये क्या है, अपने आप में एक क्लास बायस है। किस में? ड्रॉट में। ड्रॉट जो है अपने आप में क्लास बायस क्रिएट करता है, ठीक है। देन ये भी देखा गया कि ये लोगों को पॉवर्टी में डाल देता है। इनफैक्ट 7 से 8 साल लगते हैं, ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब था अगर उस पर गरीबी से बाहर आया और ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, तो देखा गया कि उसको 7 से 8 साल लग जाते हैं दोबारा गरीबी से बाहर निकलने में। एंड इनफैक्ट ड्रॉट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर परपेचुएटिंग पॉवर्टी। आपने देखा होगा जो सौराष्ट्र वाला रीजन है गुजरात का, या आपका जो महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हैं, वहाँ पे सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? वहाँ फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ जाता है। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, एंड जापान इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी करी, उन्होंने देखा कि यार ड्रॉट जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है हमेशा के लिए पावर्टी में रह जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट नीति आयोग जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकालती है अपनी CWMI, उसमें उन्होंने बोला कि 2 लाख पीपल मर जाते हैं ड्रॉट की वजह से, बिकॉज इनएडुकेट वाटर रहता है, सैनिटेशन रहता नहीं है। एंड लगभग ड्रॉट जो है 2050 तक इंडिया की 6% GDP को खा जाएगा। 6% ऑफ द GDP विल बी लॉस्ट बाई 2050 ड्यू टू द वाटर क्राइसिस, एंड दैट वाटर क्राइसिस विल लीड इवेंचुअली लीड टू ड्रॉट। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग का कंपोजिट वाटर इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें बोला गया, ठीक है। और इसको आप नोट कर लें, तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? नीति आयोग, ठीक है। देन ड्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया की बात करें, देखो यार हम आपको लगातार पढ़ाते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं सर आपने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि कम से कम गलतियाँ करूँ और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको, और जो भी गलती होती है आप पॉइंट आउट करें, मैं उसको आगे से सुधारूँगा, ठीक है। तो वो फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। अब NDMA ने गाइडलाइंस निकाली, NDMA तो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका काम है गाइडलाइन निकालना, तो उसकी गाइडलाइन तो रहेगी रहेगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेज कैसे करें, तो ये हर डिजास्टर में याद रखना कि यू हैव टू फॉलो द NDMA गाइडलाइंस, ठीक है। अब 2010 में उन्होंने गाइडलाइंस भेजी, बहुत सारी गाइडलाइंस थी, हमने कुछ शॉर्ट की, इसको मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी है, ठीक है। पहले तो आप ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल्स बनाएं, कहाँ पे? स्टेट लेवल पे, ठीक है। वनरेबिलिटी मैप बनाएं कि कौन ज़्यादा लोग वनरेबल है। देखो वनरेबिलिटी मैप तो हर डिजास्टर में बनाना है आपको, ठीक है, तो ये कॉमन है, ठीक है। देन रियल टाइम ड्रॉट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर पाएँ वाया जो, वो कैसे करेंगे आपकी वाटर, एक तो आप जो ग्राउंड पे आपकी जो कम्युनिकेशन है और जो स्पेस से आपको डाटा आ रहा है उसको क्लब करें, ठीक है। आपको ग्राउंड में बोला यार सर यहाँ पे कुछ जो है सूखे के संभावना दिख रही है, तो आप जो है सैटेलाइट से उस एरिया पे फोकस करें और पता लगाएं कि यार हाँ यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ पे पानी की कमी हो रही है। अब तो एक से एक आपका जो GIS हैं या जो कार्टोग्राफिक सैटेलाइट्स हैं उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करें अपनी ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन से। देन वाटर डेवलपमेंट अप्रोच अपनाएं, ठीक है। जो असेसमेंट करें डैमेज का कि क्या क्या डैमेज हो सकता है, एग्रीकल्चर का, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का, पानी कितना गिर सकता है, ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन कितनी होगी, ह्यूमन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देन आप एक ड्रॉट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, इनफैक्ट ये पहले था, अब दोबारा आप इसको रिवैम कर सकते हैं, ठीक है। आप माइक्रो लेवल एनालिसिस करें, फॉरकास्टिंग करें, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएं, रेन गॉजेस लगाएं, जिससे क्या पता लगा सकते हैं बेटर, क्योंकि जितनी आपके पास बेटर डेटा होगा उतना आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे कोई भी डिसीजन लेने के। तो जितना बेटर डाटा उतना बेटर डिसीजन, ये याद रखना, ठीक है। और वो डाटा सही करेक्ट, देखो डाटा शुड बी करेक्ट, इट शुड बी प्रिसाइज एंड शुड बी वेरी क्रिस्प, ठीक है। देन आप डेवलप करें क्या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़, अभी इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। देन आप क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि आप अपना एरोप्लेन ले जाते हैं और कुछ बादलों के बीच में आप स्प्रिंकल करते हैं क्या कुछ केमिकल्स, उसमें सल्फर, आयोडीन, इस टाइप के आप कंपाउंड जो हैं स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि वहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन से उस एरिया के ऊपर बरसात होने लगती है, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप ये देखा गया कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल अच्छा रहता है, तो कम से कम आपका वो जो एग्रीकल्चरल ड्रॉट था वो नहीं आएगा।
ठीक है, यू कैन प्रमोट माइक्रो इरीगेशन फैसिलिटीज, जैसे पानी कम इस्तेमाल हो, जैसे स्प्रिंकलर इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन, ठीक है आप, और जो अगर प्रॉब्लम भी आ जाए तो आप क्रेडिट प्रोवाइड करें ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाएं, जैसे सुबाबुल, सीमारूबा, कसूरीना, यूकेलिप्टिस, बायोडीजल, जेट्रोफा, पनगोमिया, ठीक है, ये जो है ये क्या होते हैं, पानी को जोड़ के रखते हैं ये सब, और ये सब जो प्लांट्स हैं ये पानी को जोड़ के रखते हैं और ये ड्रॉट को होने से रोकते हैं, ठीक है। देन आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कहीं भी अगर ड्रॉट आ गया है तो उनका आप स्पेशल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाएं, आप वहाँ पर रोल आउट करें स्कीम्स, है ना, और कोशिश करें कि आप जो है फार्मर के कंधे मजबूत करें, क्योंकि जब आप फार्मर के कंधे मजबूत करेंगे तभी वो ड्रॉट से लड़ पाएंगे। देखो ड्रॉट को रोक तो आप ना, एक तो मैंने आप रोक सकते हो, लेकिन जब हो गया तो उसके बाद की भी तो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आपको प्री ड्रॉट स्ट्रैटेजी भी चाहिए और ड्यूरिंग ड्रॉट स्ट्रैटेजी भी चाहिए और एक पोस्ट ड्रॉट स्ट्रैटेजी भी चाहिए, तो आपको सारी स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्रॉपर SOP चाहिए आपको। मैं हमेशा आपको बोलते हुआ हूँ कि यू शुड हैव अ प्रॉपर SOP, आपकी तैयारी में भी आपको एक प्रॉपर SOP चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के बिना प्लान के उड़ रहे हो तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपका कोई स्टेशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए हाँ मैं यहाँ दिल्ली मुंबई से उड़ाऊँ, मेरे को दिल्ली जाना है, रनवे नंबर 3 पे मुझे दिल्ली जाकर पता लगेगा, रनवे नंबर 3 पे उड़ूंगा, 2.5 घंटे मुझे लगेंगे, इतनी स्पीड से जाना है, अरे ये करना है, ठीक है। आप अपने अपने बॉक्सेस चेक करो, बाकी तो UPSC है ही है, ठीक है। देन आप सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हो कि क्रॉप कंडीशन कैसी है ये देखने के लिए, ठीक है। देन फ्रेमिंग अ रियलिस्टिक नेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रियलिस्टिक इसलिए बोला हमने क्योंकि कभी कभार हम लोग अनरियलिस्टिक बना देते हैं, तो रियलिस्टिक नेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें आप लोगों को जागरूक करें, उनको ट्रेन करें, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर हैं उन्हें बुलाएं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर हैं उन्हें बुलाएं, उन्हें इनक्रेज करें कि आप जो है ट्रेनिंग करें, कैपेसिटी बिल्ड करें उनके अंडर, है ना, उसमें आप NGO का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन आप जो सिलेबस है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का जो है आप उस सिलेबस को इफेक्टिव बना सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी, पन्नगर यूनिवर्सिटी है, पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो लोग एग्रीकल्चर जब पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि वो सही चीज़ पढ़ें ताकि वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है। देन आप फोडर, कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर, इसको मतलब ये भी बनाए जा सकते हैं पहले से, तो इनको आप बना के रख लें कभी कभार, ताकि कट्टों में पैक कर लें, ताकि अगर कहीं ड्रॉट आ जाए तो ये कम से कम पहुँचाए जा सकें टाइम से। एंड वेन एवर नेसेसरी एंड फीजिबल द कॉर्पोरेट सेक्टर को आप बुलाई सकते हैं, इनफैक्ट आप अगर ड्रॉट कहीं हो जाए तो CSR के फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं वहाँ पे उनके, तो ऐसे करके आप जो है ड्रॉट को मैनेज कर सकते हैं। देन इंडिया में कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जहाँ ड्रॉट मैनेजमेंट किया जा सकता है, पहले बात तो ये कि क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हाँ ड्रॉट हो गया, क्राइसिस हो गया, अब उसे मैनेज कौन करेगा, दो काम कोई मिनिस्ट्री करेगी, उनके भी एक काम कोई डिपार्टमेंट करेगा, दो काम कोई और डिपार्टमेंट करेगा, तो इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाती है कि वो काम हो ही नहीं पाता, तो देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई गई थी वैसे ही क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होनी चाहिए और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आज के टाइम पर फेक न्यूज़ फैल जाती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है बड़ी टाइमली करनी है, बड़ी वेरीफाइड करनी है और सही तरीके से करनी है। देन देयर दी जो हमारी मॉनिटरिंग है या अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन्फेक्टिव है तो उन्हें अपग्रेड करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएँ, डाटा कलेक्ट करें, रेनफॉल, क्रॉप जोन एरिया पे डाटा ऑन सॉइल मॉइस्चर, स्ट्रीम फ्लो, ग्राउंड वाटर, लेक रिजर्वायर स्टोरेज, कितना पानी है कितना नहीं है, ये सब डाटा इफेक्ट करें, क्योंकि जितना अच्छा डाटा उतना अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, क्या करें भैया, ठीक है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग करें आप हर वाटर लेवल की, पानी की, रेनफॉल को देखें, और वो आपको एक बेटर आकलन देगा या बेटर आइडिया देगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। आप वाटर कंजर्वेशन मेजर्स का इस्तेमाल करें, जो जैसे अगर आपको लगता है कि ठीक है इस एरिया में पानी कम हो रहा है तो वहाँ पे आप रेशनलाइज करें, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें, ठीक है, और लोगों को बोलें कि भाई जो है पानी जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक बड़ा अच्छा ऐड है ना कि जितने में शहर का एक व्यक्ति नहाता है उतने में पूरा गांव पानी पी लेता है, शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐड था या किसका था, तो वो बात बड़ी सही है, ठीक है, और ये वो एक बड़ा एम्पिरिकल डाटा था, बट उन्होंने ऐड बनाया वो उसको, वो एक प्रॉपर डाटा था कि हाँ इतना डिफरेंस है। तो आप जो है यार एज अ ह्यूमंस भी आपको सोचना चाहिए कि हमें जो है रैशनली कोई भी रिसोर्स जो है लिमिटेड है, और जब लिमिटेड है तो उसको जो है आपको रैशनली यूज़ करना है,
और जब रैशनली यूज़ करेंगे तभी तो आप उसको लंबे समय तक सस्टेनेबल सस्टेनेबली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक वाटर कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एफिशिएंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। देन आप ऐसे क्रॉप्स सो करें जो कि कम वाटर कंज्यूमिंग है, जैसे दालें होती हैं वो कम पानी में उग जाती हैं लेग्यूम्स। अब चावल में तो बहुत पानी लगता है, तो ज़रूरी नहीं है चावल उगाने, आप दालें उगाएं, ठीक है। आप ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का पता लगाएं कि कितना पानी किस एक्वीफर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे सरप्लस वाटर है, जहाँ पे कम वाटर है, थ्रू रिजर्वायर्स एंड डैम्स एंड बैरेजेस, ठीक है। देन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, है ना, आप अवेयरनेस बढ़ाएं कि ठीक है भैया ड्रॉट है मान लिया, लेकिन तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देयर आर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप जो ड्रॉट्स में ड्रॉट एरियाज में उग जाते हैं। अब कहीं कहीं, अब जैसे सैंड ड्यून्स में तो आप कुछ नहीं उगा सकते, बट कहीं कहीं लैंड डिग्रेडेशन अभी 60% पे, 70% पे, 40% पे है, तो उसको तो हमने ड्रॉट का नाम दे देते हैं, बट वहाँ पे अभी भी बहुत कुछ उगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा चार्ट बनाया था आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं इसे, ये आप रोक के चाहे यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो हमेशा इस चार्ट को बना ले, मैं बेसिकली ये क्रक्स है अभी तक जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडस्लाइड्स, ठीक है। लैंडस्लाइड्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैंडस्लाइड्स दिखती कैसी हैं। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड्स हैं, ये हिली एरियाज में पाई जाती है, ये वाली लैंडस्लाइड आपको पुणे एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी ऐसे, ठीक है। तो जब मास वेस्टिंग होती है, जब मलबा पूरा एक साथ आ जाता है, अब वो सैंड, सिर्फ सैंड भी हो सकता है, वो सिर्फ रॉक्स भी हो सकते हैं, वो मिक्सचर ऑफ बोथ हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मिट्टी ज़्यादा है, यहाँ पे मिट्टी जा रही है, यहाँ पे मिट्टी और रॉक्स दोनों हैं, यहाँ पे ज़्यादातर रॉक्स हैं, तो ये सब जो है लैंडस्लाइड्स के अंडर आते हैं, है ना, लैंडस्लाइड्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइड्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग विच डिनोट्स एनी डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक, सॉइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि लैंडस्लाइड होने के लिए स्लोप चाहिए, अब प्लेन एरिया में लैंडस्लाइड नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे प्लेन है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होगी, तो जहाँ पे स्लोप होगा, जहाँ पहाड़ होंगे वहीं पे लैंडस्लाइड होता है। ऑफकोर्स सी बात है, कौन कौन से एरिया, जम्मू कश्मीर, जो एल्पाइन हिमालयन वाली बेल्ट है, स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन आपका ईस्टर्न यूपी, देन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना, देन पार्ट्स ऑफ इधर में आपका वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा। अगर आप मैप देखें ईस्टर्न घाट्स में, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स बहुत ऊँचे नहीं है तो वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स और ये वाला पार्ट इंडिया का जहाँ पे पहाड़ होते हैं, ये लैंडस्लाइड अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, माउंटेन चेन्स हैं बड़े बड़े, इंडिया तो लार्जेस्ट हाइएस्ट जो माउंटेन्स है वर्ल्ड के, हिमालयस, वो इंडिया में अनस्टेबल हैं, इमेच्योर माउंटेन्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। उत्तराखंड आप चले जाएंगे तो इतनी लैंडस्लाइड होती है इस समय कि क्या बताएं, ठीक है। अभी आप जाएंगे तो आप वहाँ की अगर लोकल खबरें पढ़ेंगे तो वहाँ एक दो लोग डेली लैंडस्लाइड्स के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करें, ठीक है। और लैंडस्लाइड कंट्रोल करने के तरीके भी हैं, एक्चुअली होता इस एरिया में तो क्या होता है, ये हिमालय वाले रीजन में यूरेशियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही होती है, तो ये एरिया बड़ा स्टेबल बन जा अनस्टेबल हो जाता है, बड़ा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो जो इंडिया में वेरी हाई वनरेबिलिटी जोन है वो हिमालयन रीजन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, नीलगिरीज हैं एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं। जो हाई वनरेबिलिटी जोन है, जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम है, तो उसमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ असम, तो प्लेन में मैंने आपको बता दिया कि लैंडस्लाइड नहीं होगा। देन मॉडरेट टू हाई वनरेबिलिटी जोन में आपका लद्दाख एंड स्पीति है, जो आपका हिमाचल में, लद्दाख आपका अलग ड्यूटी है, स्पीति एक जगह, लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, वो हिमाचल प्रदेश में, अरावली है। देन वेस्टर्न घाट्स में भी जो आपका दूसरी वाली साइड है, एक तो आपका विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है, लीवर्ड साइड सूखा रहता है, तो ज़्यादातर जहाँ पे रेन शेडो एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ रेन ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जहाँ ज़्यादा मानसून का इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि अगर जब आप माउंटेन को देखें ना, तो मेरा अगर आप हाथ देख रहे हैं माउंटेन है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से, मतलब लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, आप अपना हाथ जोड़ के देखना, ठीक है, अगर एक साइड से बादल आ रहे हैं तो एक साइड पे ऊपर उठे तो बादल उस साइड ज़्यादा बरसते हैं जहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं, और दूसरी साइड जो है पानी जो है कम बरसता है, तो
अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो दी वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैव रेनफॉल, बट दी ईस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर इन दी रेन शेडो जोन. तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड होते हैं लेकिन कम होते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं हमने आपको, और रीजंस क्या है इनके, हिमालयन माउंटेन या नॉर्थ ईस्ट हिल्स में क्यों होते हैं. वहाँ के जो माउंटेन्स हैं बड़े यंग माउंटेन्स हैं, अभी भी हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है. तो सबडक्टिंग प्लेट है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, अनस्टेबिलिटी है प्लेट्स में, तो उसके कारण भूकंप आएंगे और वहाँ मूवमेंट्स लगातार होती रहती हैं. तो जो कि वहाँ की टोपोग्राफी है वो रग्ड है, इमेच्योर है, फ्रेजाइल रॉक्स हैं वहाँ के, हाई सिस्मिसिटी है. ठीक है, हाई रेनफॉल होती है वहाँ पे, आप चले जाओ उस टाइम वहाँ बारिश ही बारिश मिलेगी आपको. एक्सटेंसिव एंथ्रोपोलॉजिक इंटरफ्लेंस हो गया है क्योंकि टूरिस्ट को प्रमोट करना है, तो आप ऊपर जाते हैं थैली चिप्स का पैकेट लेके गए, लेकिन आप चिप्स तो आपके पेट में चले जाते हैं लेकिन चिप्स का पैकेट आप वहीं फेंके जाते हैं. ठीक है, आप पार्टी करने गए, ठीक है करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहाँ गंदा करके आ जाते हैं. वो क्या होता है, वहाँ के जो ये इको सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी भी छेड़खानी करोगे ना तो उनका कॉन्सिक्वेंस बहुत हाई प्रपोर्शन में आपको मिलता है वापस. ठीक है, देन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है जो लार्जली प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया में, और मतलब अगर हम लैंडस्लाइड्स की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में. देन वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि थोड़ा स्लोप जो है बहुत स्टीप है ना, काफ़ी स्टीप है, ओवरबर्डन है, काफ़ी ज़्यादा संपदा है वहाँ पे, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है जिसके कारण पुणे वुने के एरिया हैं कितने, वहाँ पे आए दिन वहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है. ठीक है, नीलगिरीज का जो एरिया है वहाँ पे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है और लंबे समय तक रेनफॉल होती रहती है, तो इसकी वजह से वहाँ लैंडस्लाइड होते हैं. और जो रीजंस हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोल्स एंड डैम्स इन हिली एरियाज. अब इनफैक्ट डैम से ही पता लगने लगा है कि अगर डैम्स जो है अर्थक्वेक को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो अर्थक्वेक को भी ट्रिगर कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्टडी के बाद ही ये सब किए जाना चाहिए. देन माइनिंग एक्टिविटीज़ इन स्टेट्स लाइक झारखंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड. देन अर्थक्वेक्स इन नॉर्दर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स है ना, फॉल्टी प्रैक्टिसेस, डीफॉरेस्टेशन है. ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस लगातार है और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो है फ्रेजाइल हो जाते हैं, ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं. और ठीक है लैंडस्लाइड हो गया कोई दिक्कत नहीं होती, साफ हो जाएगा, लेकिन लैंडस्लाइड के नीचे जब लोग दबके मरते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है. लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैंडस्लाइड. ठीक है, तो इम्पैक्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म, वही मैंने आपको बताया लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. लॉन्ग टर्म में लैंडस्केप चेंज हो जाता है, कल तक जो पहाड़ ऐसे था आज वो पहाड़ से यहाँ तक था, इतना पार्ट इसका खिसक गया तो अभी ऐसा हो गया. ठीक है, तो लैंडस्केप चेंज हो जाता है, कल्टीवेबल लैंड घट जाती है, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल लॉस होता है. ठीक है, रीलोकेशन होती है लोगों की, क्योंकि जब बचा ही नहीं या खतरे वाली जगह होती है तो वहाँ से उन्हें हटाया जाता है. ठीक है, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट इंडिया में कैसी है, तो NDMA की गाइडलाइंस हैं. देखो मैंने आपको बताया कि NDMA की गाइडलाइन हर चीज़ पे है. ठीक है, देन NDMA की गाइडलाइन है लैंडस्लाइड हैजार्ड मैनेजमेंट. उन्होंने क्या बोला, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, आपको बस मेन चीज़ें बताती हैं, इसमें से भी आप 5 पॉइंट लिख के आ गए आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो उसमें से भी पहला क्या उन्होंने बोला कि लैंडस्लाइड हैजार्ड वनरेबिलिटी एंड रिस्क का असेसमेंट करो. तो मैंने बता दिया हैजार्ड को देखो, कौन कौन से एरियाज़ या पॉपुलेशन वनरेबल है वो देखो, और रिस्क असेसमेंट करो कहाँ कहाँ ज़्यादा रिस्की है. ठीक है, लैंडस्लाइड रेमिडिएशन प्रैक्टिसेस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, बाकी सब पॉइंट तो सब लिख के आएंगे, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया ना तो मज़ा आ जाएगा. मतलब लैंडस्लाइड रेमिडिएशन प्रैक्टिस क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ. आप स्लोप की ज्योमेट्री ऑल्टर कर दो, ठीक है, या फिर आप डेब्रिस का पाथ बदल दो, या फिर आप स्लोप को केमिकल्स के जरिए दबा दो, और कुछ कुछ ऐसे होती हैं शीट पाइलिंग होगी, ऐसे ये आपको लगा कि यहाँ पे यार ये किस लग रहा है, आपने यहाँ पे शीट्स लगा दी. ठीक है, फिर जियो ग्रिड होती है, ठीक है, ऐसा आप ग्रिड बना दिया आपने. ठीक है, आप ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज को जो पानी आ रहा है उसको आप मोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पानी आया तो अगर ये जब यहाँ पहुँचेगा तभी ये टूटेगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो. हैं, रिटेनिंग वॉल बना सकते हो, रॉक बोल्ट्स बना सकते हो, शॉर्ट क्रीट कर सकते हो, टेरेस बेंचिंग कर सकते हो, पेड़ लगा के, जिसको कि बायोटेक्निकल स्लोप स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं ना वो स्लोप को बांध के रखती हैं. इसलिए जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो
या पेड़ काटते हो तो स्लोप जो है कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधे वहाँ लगे रहें, क्योंकि पेड़ पौधे जो है उनकी जड़ें जो है आपस में जो नीचे की उनकी सतह है या ज़मीन है उसको जोड़े रखती है। जब जोड़े रखती है तो स्लोप ज़्यादा स्टेबल रहता है। जब आप उसको काट देते हैं तो रूट्स बचती नहीं है तो वो अनस्टेबल बन जाता है। फ्रिक्शन पाइप्स लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, बायो रेमेडिएशन, सॉरी, ये सब जो है आपकी लैंडस्लाइड रेमेडिएशन प्रैक्टिस है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जरूर देखना, ठीक है। देन आप वो फिर वही घिसी पिटी कहानी और रेगुलर पॉइंट्स आ गया आपके। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, अर्ली वार्निंग देनी है, ठीक है। देन नॉलेज नेटवर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ आप अपना, कि प्रॉपर नॉलेज हो आपके पास, और तभी जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप प्रॉपर नॉलेज को डिसेमिनेट कर पाएंगे आगे। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग करो, जो भी पर्सन इफेक्टेड होने वाले हैं या इफेक्ट हो सकते हैं या जिन्होंने डील करना है उस डिजास्टर से, अगर कुछ हो जाता है तो उनको जो है कैपेसिटी बिल्ड कर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। जैसे जियो साइंटिस्ट हैं, है ना, उनको आप रोप इन कर सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन बढ़ाओ आप, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं अपना, और जो रेगुलेशन और एनफोर्समेंट है लैंड स्लाइड को लेकर, कि भैया आपको पता है कि यार इस घर के यहाँ पे जो है स्लोप जो है अनस्टेबल है, ठीक है, अब इसके नीचे क्यों घर बनाने देने हैं आपको या क्यों लोगों को रहने देना है, तो वो मास्टर प्लान या प्लान्स में होता है, पर तब भी लोग घर बना लेते, तो वो रेगुलेशंस जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है लैंड स्लाइड्स के लिए, एक तो रीजनल स्पेसिफिक मेजर्स होने चाहिए। टेरेस फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट में ही होती है, वेस्टर्न घाट्स में जो है टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो टेरेस फार्मिंग जो है आप प्रमोट करें कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, जहाँ भी स्लोप्स है वहाँ प्रमोट करें, लेकिन ज़्यादा फोकस करें नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो जहाँ की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से वैसे सॉल्व करें। वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच ना अपनाएं, ठीक है। झूमिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको रोकें, ठीक है। रिटेनिंग वॉल्स, ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इस टाइप की रिटेनिंग वॉल, ये होती है रिटेनिंग वॉल, ठीक है। ज़्यादातर देखिए सबसे ज़्यादा रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल होता है ना, ये तो बायोटेक्निकल स्टोप स्टेबलाइजेशन, तो मैंने आपको वैसे बताया। सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा ये कंक्रीट का बना देते हैं या पत्थर, देखा आपने नदी के किनारे भी पत्थर लगा के वो नेट से बांध देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो ये रिटेनिंग वॉल होती है, तो रिटेनिंग वॉल बनाए, ठीक है। जो हज़ार जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफिक लैंडस्लाइड्स एरियाज होते हैं वहाँ से, या तो रोड हटा दें। जैसे उत्तराखंड में एक जगह थी, अब मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती थी, उन्होंने वहाँ स्लोप को स्टेबलाइज करने की कोशिश की लेकिन तब भी वहाँ लैंडस्लाइड होती थी। अब उन्होंने क्या किया कि उसकी उस जगह को छोड़ ही दिया, बंदी कर दिया, उसके पीछे से रोड निकाली, ठीक है। तो आप वैसी भी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। देन प्रमोट लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन, मैंने आपको बता दिया कि पेड़ जो है जो अपनी सतह की सतह है उनके नीचे की सतह है उसको जोड़े रखते हैं। जब जोड़े रखते हैं तो स्लोप जो है स्टेबलाइज रहता है, स्लोप स्टेबलाइज रहेगा तो लैंडस्लाइड होने की चांसेस कम रहेंगे। देन हज़ार की मैपिंग करें कि कहाँ कहाँ कौन सा एरिया था, जैसे मैंने मैप दिखाया था, अब मैप तो लार्जर था लेकिन आप पिन पॉइंट करें कि कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है कहाँ पे कम है, ठीक है। जहाँ पे मिट्टी होगी, जैसे बारिश होगी मिट्टी जल्दी घुलती है, ठीक है, तो जहाँ पे जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मिट्टी वाले पहाड़ हैं। जो स्ट्रिक्ट पत्थर वाले रॉक्स हैं वहाँ लैंडस्लाइड कम होती है, तो आप उस तरीके से हज़ार मैपिंग करें और तभी उसी दिशा में आप आगे बढ़ें। तो लैंडस्लाइड्स और ड्रॉट्स में इतना ही, आगे हम लोग आपको और डिज़ास्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अल्फा एस अकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए इस टॉपिक के, पूरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स जो हैं वो हमारी साइट पे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जिसका लिंक नीचे है, आप वहाँ से लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग एंड गुड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।